और वहीं आपको बता दें कि दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है और आज वो दिन है जब सभी इस त्योहार को मना रहे हैं। और इस दिन भगवान कृष्ण, हनुमान और यमराज और माँ काली के पूजन का विधान है और लोग इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ इस दिन रूप चौदस और काली चौदस जैसे कई त्योहारों का आयोजन होता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आज के पावन पर्व के महत्व को समझते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस चतुर्दशी को रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के एक दिन पहले आने वाली इस चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। आज के दिन संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। आपको बता चले प्राग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें यहाँ अपने यहाँ बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को मुक्त कराया था और इस उपलक्ष्य में दीयों की बारात सजाई गई थी। दूसरी कथा के अनुसार पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा रंती देव को जब यमदूत नरक ले जाने लगे तो उन्होंने कहा, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों नरक ले जा रहे हो। यमदूत ने कहा कि एक बार आपके द्वार से एक विप्र भूखा लौट आया था, या उसी पाप का कर्म के फल है। तब रंती देव ने कहा था कि मुझे इसके प्रायश्चित का एक वर्ष दे दीजिए। यमदूतों ने एक वर्ष दिया तो राजा ऋषियों के पास पहुँचे और उन्होंने इस पाप से छूटने का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने बताया कि कार्तिक मास के चतुर्दशी को व्रत रखने के बाद ब्राह्मण भोज तो आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। बस उसी दिन से पाप और नरक से मुक्त के लिए भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हो गया। नरक चतुर्दशी के महत्व के बारे में कहा जाता है कि आज के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चुरचुरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर या फिर कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना अति लाभदायी होता है। इससे पाप कटता है, रूप सौंदर्य की प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय होने से बाद नहाता है उसे वर्ष भर किए गए अच्छे कार्यों का फल नहीं मिलता। आज के दिन को यम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन शाम होने के बाद घर में और उसके चारों ओर दीपक जलाएं और यमराज या काल मृत्यु से मुक्ति और स्वस्थ जीवन की कामना करें। कई घरों में आज के दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रखाता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दियो को नहीं देखा जाता। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती है। आज के दिन को काली चौदस भी कहते हैं। काली चौदस की रात माता काली की पूजा होती है। दरअसल पूरे भारतवर्ष में रूप चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीप प्रज्वलित कर यम के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन बंगाल में माँ काली के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है, जिसके कारण आज के दिन को काली चौदस कहा गया। आज के दिन माँ काली की आराधना का विशेष महत्व है। काली माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आज के दिन सफलता मिलती है। स्पेशल डेस्क आर्यन। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।